going to start with a new chapter in your English literature book, and the name of the chapter is Little Benjamin, page number 24. Okay, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं. सो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम था लॉरा ई रिचार्ड्स. लॉरा ई रिचार्ड्स, शी वॉज अ लेडी, ये एक महिला थी. शी वॉज अ अमेरिकन ऑथर, ये एक अमेरिकन ऑथर थी. ओके, शी वॉज अ बायोग्राफर ऑल्सो, ये एक बायोग्राफर भी थी. और शी वन द पुलित्ज़र प्राइज, इन्होंने एक बहुत ही ऑनरेबल प्राइज जिसको पुलित्ज़र प्राइज कहते हैं, इन्होंने वो भी जीता था. देन इनकी कुछ फेमस स्टोरीज थी, द लिटिल टायरेंट, कैप्टन जनवरी. ओके, सो ये कुछ बातें थी लॉरा रिचार्ड्स के बारे में. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में एक छोटा सा क्ल्यू जान लेते हैं. सो ये चैप्टर जो है ये एक ऑर्फन बॉय के बारे में, एक छोटा सा ऑर्फन बॉय जो जिसका आगे चल के नाम पड़ता है बेंजामिन. सो गोल्डन फैमिली जो रहती है वहाँ पे फादर गोल्डन फादर बैठे रहते हैं, मींस कुछ अपना काम करते रहते हैं. तभी अचानक उन लोगों को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है. तो जो गोल्डन मदर थी उन्हें लगता है कि शायद कोई छोटी सी बिल्ली रो रही है. तो उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए कौन रो रहा है, शायद हमारी वाइट कैट आ गई है. सो दे मस्ट बी वेटिंग फॉर द वाइट कैट. सो क्या होता है, जब सब बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, वहाँ पे एक छोटा सा बेबी मिलता है. और वो सब चौंक जाते हैं कि किसने बास्केट में इतना छोटा सा बेबी छोड़ दिया है. फिर उसी बास्केट में उन्हें उस बेबी के साथ एक नोट मिलता है, मीन्स एक पेपर पे लिखा हुआ कुछ नोट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि इस बच्चे की जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई, वो डेड हो गई, उनकी मौत हो गई. और उसके फादर बहुत ही ख़राब है, एक वेस्टर है, मतलब जो पैसों को वेस्ट करते हैं, इसीलिए इस बच्चे को इनके पास छोड़ दिया गया है. फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये बच्चा अपने पास रखना है कि नहीं. और लास्ट में वो सब मिलके इस बच्चे का नाम ढूंढते हैं और एंड में इसका नाम क्या रखते हैं, बेंजामिन. ओके, सो अब इसी स्टोरी को पूरी डीपली हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन योर बुक्स, लिटरेचर बुक्स में ओपन टू पेज नंबर 24. ओके, सो चैप्टर 4, लिटिल बेंजामिन. द गोल्डन फैमिली इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड विद द अराइवल ऑफ अ क्यूट लिटिल बेबी इन देयर होम. They find the baby at their doorstep and welcome it. So, जो golden family है, golden family means जैसे आपका surname होता है जो आप name के बाद लगाते हो. So, जो उस family का surname था it was maybe golden. So, they were known as the golden family. So, they were extremely delighted. Delighted मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे. किससे? Arrival. Arrival means जब कोई आता है. So, किसके arrival से बहुत खुश थे? ऑफ़ द क्यूट लिटिल बेबी इन देयर होम. उनके होम में, उनके घर में क्यूट लिटिल बेबी आया था जिसके अराइवल से वो सब बहुत खुश थे. दे फाइंड द बेबी एट देयर डोर स्टेप एंड वेलकम इट. डोर स्टेप होता है जो आपके घर की डहरी होती है, जो आपके घर का फ्रंटियर होता है, फ्रंट होता है, उसे कहते हैं डोर स्टेप. तो उन लोगों को बेबी कहाँ पर मिला था, उनके डोर स्टेप पर, और उन्होंने उसका वेलकम किया. स्टार्टिंग विद द चैप्टर, I think the little kitty wants to come in, said Mother Golden. जो Mother Golden थी उन्होंने कहा I think the kitty wants to come in, मतलब kitty अंदर आना चाहती है. I hear him crying somewhere, won't you go and let him in, Adam? फिर वो अपने बेटे Adam से कहती हैं कि I hear him crying somewhere. मुझे वो कहीं रोते हुए सुनाई दे रहा है, उसकी आवाज़. Won't you go and let him in, Adam? तुम जाकर उसे अंदर क्यों नहीं लाते हो? Adam laid down his book and went out. Adam laid down his book मतलब मे बी Adam के हाथ में बुक रही होगी. He laid down his book मतलब वो अपनी बुक को रख देता है and went out और बाहर जाता है. The whole family looked up cheerfully expecting to see Aladdin, their pet cat. और पूरी फैमिली बहुत cheerful दिखती है, बहुत excited दिखती है. Expecting, expect करते हुए, क्या expect करते हुए,
टू सी अलादीन देयर पेट कैट. उन्हें लगता है कि जो उनका पेट कैट था अलादीन, इट इज़ अ मेल पेट कैट. ओके, सो इसीलिए हिम यूज़ किया है. ऊपर देखो लाइन है ना, आई हेयर हिम क्राइंग समवेयर. सो हिम इज़ ऑलवेज यूज फॉर द मेल पर्सन्स. सो अलादीन देयर पेट कैट. सो उन्हें लगता है कि उनका जो पेट कैट था, पेट बिल्ला जो था अलादीन, वो अंदर आने वाला है. देयर वॉज अ पॉज एंड देन एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस. ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग. फिर क्या होता है, सबको तो लग रहा था कि एडम अलादीन को लेके अंदर आएगा, बट देयर वॉज अ पॉज. पॉज मीन्स होता है कि अचानक से सब शॉक हो गए. एंड देन, और फिर एडम केम बैक विथ अ वाइट स्केयर्ड फेस. स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ. जब आप डर जाते हो तो आपका फेस वाइट हो जाता है. मीन्स वाइट फेस होना मतलब डर जाना बहुत ज़्यादा. ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग, और वो बिना कुछ बोले अपने फादर की तरफ देखने लगता है. ओके एवरीवन, व्हाट इज़ द मैटर माय सन, आस्क्ड फादर गोल्डन. जो फिर फादर गोल्डन थे, उन्होंने एडम से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर माय सन, क्या हुआ बेटा, क्या बात है. द कैट इजंट देयर, सेड एडम, इट्स अ बास्केट फादर. फिर एडम रिप्लाई करता है, द कैट इजंट देयर, वहाँ पर कोई बिल्ली नहीं है. इट्स अ बास्केट फादर, वहाँ पर तो एक बास्केट है, एक टोकरी है. अ लॉन्ग बास्केट विथ समथिंग वाइट इनसाइड एंड इट्स क्राइंग. एक लॉन्ग बास्केट, लंबी सी बास्केट विथ समथिंग वाइट इनसाइड, जिसके अंदर कुछ सफ़ेद सा है. एंड इट्स क्राइंग, और वो रो रहा है. ओ माई गॉड, सेड मदर गोल्डन, एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश. इन अ फ्लैश का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, तेज़ी से. ओके, सो मदर गोल्डन क्या कहती है, ओ माई गॉड, हे भगवान, एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश. वो इतना कहकर क्या डोर से बाहर चली जाती है. द चिल्ड्रन ऑल्सो रन टूवर्ड्स द डोर बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग. और जो बच्चे थे वो भी दौड़ते हैं दरवाजे की तरफ. बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए जल्दी से जाते हैं, तभी उन्हें उनकी जो मदर थी वो लौटते हुए मिल जाती हैं. इन हर आर्म्स वॉज अ लॉन्ग बास्केट इन विच वॉज इंडीड समथिंग वाइट एंड फ्लफी दैट क्राइड. फ्लफी मीन्स होता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट, जैसे टेडी बियर होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसी को कहते हैं फ्लफी. सो इन हर आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथों में, गोद में जो होता है, हाथ की जो गोद होती है आर्म्स में. सो इन हर आर्म्स वॉज अ लॉन्ग बास्केट इन विच वॉज इंडीड समथिंग वाइट एंड फ्लफी दैट क्राइड. और मदर गोल्डन की हाथों में एक बास्केट थी जिसमें कुछ सफ़ेद सा फ्लफी सा था जो कि रो रहा था. सो ये जो फोटो है आप देख सकते हैं कि जो मदर गोल्डन थी उन्होंने अपने आर्म्स में कैरी किया है. अ बेबी, एक्सक्लेम्ड फादर गोल्डन, एक बच्चा, छोटा सा, फादर गोल्डन बोलते हैं. मदर गोल्डन लिफ्टेड दैट चाइल्ड आउट. फिर मदर गोल्डन क्या करती हैं, उस बेबी को उस बास्केट से बाहर निकालती हैं. द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एंड लुक्ड अप इन हर फेस. और जब वो बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं तो बच्चा रोना बंद कर देता है और मदर गोल्डन की तरफ देखने लगता है. माई हार्ट, सेड मदर गोल्डन, कम हियर चिल्ड्रेन. माई हार्ट मतलब बेबी को देख के वो ऐसे कहती हैं कि बहुत ही क्यूट बच्चा रहता है, कोई बच्चे को इस तरह से छोड़ के चला जाता है. सो वो कहती हैं, हे भगवान, और फिर अपने बच्चों से कहती हैं, कम हियर चिल्ड्रेन. द गर्ल्स बेंड फॉरवर्ड ईगरली. फिर उनकी जो बेटियां रहती हैं वो बेंड फॉरवर्ड ईगरली. ईगरली का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होना, वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, या फिर एक्साइटिंग. सो जो उनकी गर्ल्स रहती हैं वो बेंट हो जाती हैं, मतलब झुक जाती हैं, आगे चल बढ़ जाती हैं उस बेबी की तरफ. लुक एट इट्स लिटिल हैंड्स, मर्मर्ड मैरी. जो मैरी उनकी डॉटर रहती है वो बोलती है, मर्मर्ड मीन्स होता है मर्मरिंग करना, धीमे से बोलना. लुक एट इट्स लिटिल हैंड, इसके छोटे से हाथों की तरफ देखो. दे आर पिंक, दे आर लाइक पिंक शेल्स, ओनली सॉफ्ट.
वो किसी पिंक शेल्स की तरह हैं, बहुत ही सॉफ्ट। ओ सी इट मूव देम रूथ। और जो उनकी सेकेंड डॉटर रहती है रूथ, वो बोलती है ओ सी इट देम मूव, कि बेबी कैसे मूव कर रहा है। शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मूवमेंट ऑफ डिलाइट। और वो क्या करती है, अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे आगे बुलाते हुए ये बात कहती है। मदर गोल्डन वॉज एग्जामिनिंग द बेबी क्लोथ्स। एग्जामिनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही पास से ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व समथिंग वेरी क्लोजली। सो जब वो लोग दोनों डॉटर्स ये बात करती रहती हैं, उस टाइम जो मदर गोल्डन होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेबी के क्लोथ्स को एग्जामिन करती रहती है, मतलब उसको बहुत पास से देखती रहती हैं। हियर्स अ नोट, यहाँ पर एक नोट है। शी ओपेंड अ फोल्डेड पेपर एंड रीड अ फ्यू वर्ड्स रिटन इन अ रफ हैंड। और फिर वो क्या करती हैं, वो उस नोट को, जो नोट लिखा रहता है उसे ओपन करती हैं फोल्डेड पेपर को, और रीड करती हैं कुछ वर्ड्स जो कि इंग्लिश में, जो कि बहुत ही रफ राइटिंग में लिखे हुए थे। हिज मदर इज़ डेड एंड हिज फादर इज़ अ वेस्टर। वेस्टर मतलब होता है जो आदमी किसी भी लायक ना हो। सो हिज मदर इज़ डेड, इस बच्चे की माँ मर गई हैं, एंड हिज फादर इज़ अ वेस्टर, और इसके पापा ख़राब हैं, मतलब वो किसी भी लायक नहीं है, वो निकम्मे हैं। ओके द क्वेश्चन इज, सेड फादर गोल्डन What shall we do with him? फिर फादर गोल्डन बोलते हैं कि सवाल ये उठता है कि हम इस बच्चे के साथ क्या करें। There are places like orphanages around. ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथ आश्रम, जहाँ पे ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं। सो फादर गोल्डन बोलते हैं कि यहाँ आसपास बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, अनाथ आश्रम हैं। यू हैव ऑलरेडी गॉट 5 children टू टेक केयर ऑफ। वो मदर गोल्डन से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे तो ऑलरेडी 5 बच्चे हैं जिनकी तुम्हें देखभाल करनी होती है। ओ वी कुड हेल्प सेड क्राइड मैरी। तो जो मैरी उनकी डॉटर रहती है वो बोलती है ओ वी कुड हेल्प, मतलब हम मदद कर सकते हैं। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, आई नो आई कुड एंड आई जस्ट लव टू। मतलब वो कहती है कि मैं इसे वॉश मतलब नहलाऊंगी, इसे ड्रेस करूंगी, इसे कपड़े पहनाऊंगी। आई नो आई कुड, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, एंड आई वुड जस्ट लव टू, और मुझे ये करना बहुत अच्छा लगेगा। सो कुड आई सेड 12-year-old रूथ। सो कुड आई मतलब मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ, सेड 12-year-old रूथ। और उनकी जो सेकेंड डॉटर थी जो कि 12 years की थी, 12 साल की थी, उसने भी यही कहा। वी वुड टेक टर्न्स मैरी एंड आई डू, लेट्स कीप हिम मदर। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है वी वुड टेक टर्न्स मैरी एंड आई, मतलब वो कहती है कि हम टर्न्स में काम करेंगे, मतलब मैरी एक मैरी और हम एक ये काम आपस में बदल कर करेंगे, कभी वो कभी मैं। डू लेट्स कीप हिम मदर, इसे इस बच्चे को रख लेते हैं। इन 5 minutes मदर गोल्डन वॉज फीडिंग द चाइल्ड सम वार्म मिल्क विथ अ स्पून। फीडिंग मतलब होता है खिलाना, जो खुद से खा ना पाए उसे खिलाना, जैसे छोटे बच्चे या जानवर जो खुद से खा ना पाए। सो 5 minutes मतलब 5 मिनट के अंदर ही, जब ये सब बातें हो रही थी, मदर गोल्डन क्या करने लगी, उस बच्चे को वार्म मतलब कुनकुना मिल्क मीन्स दूध क्या करने लगी, पिलाने लगी विथ अ स्पून चम्मच से। द बॉयज वर नाउ क्लोज एट हर नी एंड वॉच द प्रोसेस विथ ईगर आइज। और तब तक द बॉयज़ मतलब जो मदर गोल्डन के बेटे थे, सन थे, वो सब भी आकर ना क्लोज एट हर नी मतलब उसके घुटने के पास बैठकर वॉच द प्रोसेस विथ ईगर आइज, इस जो प्रोसेस हो रहा था जो वो बीबी को फीड कर रही थी, ईगर आइज मतलब बहुत ही उत्सुकता से देखने लगे। सी हिम ग्रैब द स्पून सेड जोसेफ। जोसेफ कहता है कि देखो ये स्पून को कैसे ग्रैब कर रहा है, मतलब स्पून को पकड़ रहा है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने हाथों से कुछ भी सामान आप उनके पास लाओ तो उसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। माय इजंट ही स्ट्रॉन्ग कैन ही टॉक मदर। और फिर कहता है कि इसके हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या ये बात कर सकता है, वो अपनी मम्मी से पूछता है मदर गोल्डन से। जोसेफ यू चकल हेड सेड एडम हु वाज 16 एंड न्यू मोस्ट थिंग्स।
जो एडम था उस कितने ईयर्स का था, 16, एंड न्यू मोस्ट थिंग, मतलब उसे काफ़ी कुछ पता था, बड़ा था। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो बड़ा था, उसे काफ़ी चीज़ें पता थी। और वो जोसेफ को क्या कहता है, यू चकल हेड, मतलब यू फूलिश। चकल हेड मीन्स होता है फूलिश, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पागल हो क्या, ऐसे बोलना चाहिए। तो जोसेफ को ऐड करता है कि हाउ कैन ही टॉक वेन ही हैजन गॉट एनी टीथ, ये कैसे बात कर सकता है जब इसके दांत ही नहीं हैं। बेबी हैज़ गॉट अ टूथ टू एडम, मदर गोल्डन सेड। फिर मदर गोल्डन क्या कहती हैं, बेबी हैज़ गॉट अ टूथ टू एडम, मतलब बेबी के टूथ है, मतलब टूथ मीन्स एक, वन, टीथ जब होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, टूथ इज़ अ सिंगुलर नाउन। सो वो मदर जो कहती हैं, वो कहती हैं कि बेबी के एक टूथ है। आई फील इट प्रिकिंग अराउंड द गम दिस मिनट, और वो बेबी के मुंह के अंदर फिंगर करके बोलती हैं कि मैं फील कर सकती हूँ। प्रिकिंग मतलब होता है छेद करके बाहर आना। सो जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे गम्स मतलब मसूड़ों से ही तो निकलते हैं बाहर, तो वो उसके मसूड़ों पर अपनी फिंगर्स को रोल करते हुए बोलती हैं कि आई कैन फील इट, मैं फील कर सकती हूँ कि इसके जो इसका जो टूथ है वो इसके गम से प्रिकिंग कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। ओके, सो इतनी स्टोरी हमने आज पढ़ी। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।